हाय गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिमकार्ड के बारे में। और कनाडा में तीन बड़ी कंपनीज हैं, मतलब बिग जायंट्स हैं। एक है बेल, रॉजर्स और टेलर्स, और उन तीनों के अंदर भी सब ब्रांड्स आती है। और वो पूरा चार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेरे पास अभी दो सिम कार्ड्स है, एक है चैटर और दूसरा है फाइडो, और ये दोनों ही रॉजर्स के अंदर आती है। मतलब चेन कुछ ऐसी है कि चैटर, उसकी पेरेंट कंपनी है फाइडो, और फाइडो की पेरेंट कंपनी है रॉजर्स। तो पहले हम लोग बात करेंगे चैटर के बारे में। मुझे जो सिम कार्ड है, मुझे VFX ऑफिस से मिला था जब मैं बायोमेट्रिक्स करवाने गया था, पूरे पैक के साथ। और ये एक प्रीपेड सिम कार्ड है, और ये शायद पूरा एक ही, मतलब ये एक ही सिम, एक ही कंपनी है जो प्रीपेड ऑफर्स, प्रीपेड टैरिफ्स ऑफर करती है कनाडा में। और इसके जो प्लान्स है वो मैं कंपैरिजन के लिए, जो मुझे फाइडो का मिला है 10 GB का ऑफ़र, उसी के हिसाब से मैं रखूँगा। तो मुझे 10 GB का जो ऑफ़र है, मुझे वो $50 में मिल रहा था। और उसमें जो ऑफ़र था, मतलब मैं अगर ये कार्ड में रिचार्ज कराऊँगा यहाँ से, प्रीपेड है जो कि ये, तो मुझे मिलता है 20 GB 2 months के लिए। मतलब $50 में मुझे 2 months मिलेंगे और 20 GB मिलेंगे इन टोटल। और कॉलिंग की बात करें तो मुझे पूरे कनाडा में अनलिमिटेड कॉलिंग्स मिलते हैं, लेकिन मुझे इंडिया के लिए कोई कॉलिंग का ऑफर नहीं मिल रहा था। और इसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा है कि मतलब इसका जो कवरेज है वो ठीक ठाक है, मतलब वहाँ पे कुछ इतना एडवांस नहीं है। हाँ, टोरंटो या कुछ बड़ी सिटीज़ है, ओटावा जैसे, वहाँ पे कवरेज अच्छा है, लेकिन अगर मैं काउंटी साइड में जाऊँ तो मुझे अच्छा कवरेज नहीं मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया, ये प्रीपेड है तो मुझे इंडिया से ही पेमेंट करनी पड़ेगी पूरी। मतलब जो $50 है वो इंक्लूडिंग टैक्स नहीं है, मतलब प्लस टैक्सेस होता है। वहाँ पे सभी प्राइसेस प्लस टैक्सेस की होती है, तो उस हिसाब से प्रोविंस पर डिपेंड करता है कि कितना टैक्स लगे होने वाला है। मतलब अगर मैं ओंटेरो की बात करूँ तो मुझे 13% टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा इसके बाद। और अब बात करते हैं फाइडो के बारे में। फाइडो एक पोस्टपेड कंपनी है, और उसके मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना है इंडिया में। और उसका जो प्लान मुझे मिला है वो बोला है $40, उसमें मुझे 10 GB इंटरनेट मिलेगा और 1000 इंटरनेशनल मिनट मिलेगी मुझे, मतलब मैं इंडिया में कॉल कर सकता हूँ। और इसका जो कवरेज है वो पूरे अच्छा है, मतलब कंपेयर टू चैटर करें तो वो पूरा अच्छा है इन कैनेडा। और उसका जो पेमेंट होगा वो मुझे वहाँ पर जाके 21 days के अंदर अंदर मुझे करना पड़ेगा, मतलब जो बिल होगा वो मुझे 21 days के अंदर पे करना रहेगा। तो मुझे कार्ड कहाँ से मिला, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से मैंने मंगवाया है ये कार्ड, और मुझे ये 3 दिन के अंदर ये कार्ड डिलीवर हो गया था। मैंने वो पूरा फॉर्म फिलअप किया था, उसमें मैंने पासपोर्ट की डिटेल्स और मैंने वीज़ा स्टैम्प का फ़ोटो भी इंक्लूड किया था। और ये ऑफ़र सिर्फ वीज़ा स्टैम्प होने के बाद ही आप लोग कर पाओगे। ये दोनों सिम कार्ड मुझे अराइवल टाइम होगा, मतलब जो दिन पे मैं अराइव करने वाला हूँ कनाडा पे,
उसके 48 आवर्स पहले ये दोनों कार्ड एक्टिवेट हो जाएंगे। और मेरी बात करें तो मैं फाइडो की तरफ जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे उसमें 1000 मिनट्स इंटरनेशनल मिनट मिलने वाला है और इसका जो कवरेज वो भी अच्छा है, तो फिर मैं उसकी तरफ ही क्यों ना जाऊँ। और इसके एक बेनिफिट ये भी है कि मुझे एक महीने के अंदर 5 आवर्स अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है। और इनके दोनों ही प्लान्स ये सिर्फ इंडिया से सिम कार्ड आप लोगे तो ही वैलिड है, वरना दोनों के प्लान्स चेंज हो जाएंगे। अगर मैं चैटर की बात करूँ तो चैटर का जो $50 का प्लान है वो 1 मंथ के लिए है, और अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो मुझे वो डबल हो जाएगा, मतलब वो 2 महीने के लिए हो जाएगा। अगर मैं वहाँ से लेता हूँ तो वो सिर्फ 1 महीने तक की होगा वैलिड। और फाइडो का बोलूँ तो फाइडो का जो मुझे $40 का प्लान मिल रहा है वो वहाँ पे $60 प्लस टैक्सेस है, और यहाँ पे मुझे $40 प्लस टैक्स होगा प्राइसेस। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में क्वेश्चन करना, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।